साधना जी, हम सरकार से पूछ रहे हैं, हम सरकार से कह रहे हैं कि हाँ देखिए 11 दौर की बातचीत में अगर किसान को आप नहीं मना पाए तो कहीं ना कहीं कमी आपकी भी है, लेकिन किसान भी तो अड़े हुए हैं। बिल्कुल अड़ियल रवैया अपनाना और ये कहना कि नहीं भाई हम जो कह रहे हैं वही सही है, आप जो कह रहे हैं हम उस पर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, तो ये तो किसानों पर भी सवाल उठता है। आदरणीय गौरव जी, थोड़ा समय दीजिएगा मुझे मेरी बात पूरी रखने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जिस तरीके से ये कानून में कोई कमी नहीं है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए हनुमान बेनीवाल जी, प्रकाश सिंह बादल जी, सुखदेव सिंह ढींडा जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, ये सब भाजपा के नेता और इनके घटक दल है, ये सब भी इनका साथ छोड़कर किसान आंदोलन में चले गए, अवार्ड भी वापस कर दिया। तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा कानून, तो ऐसा कानून वापस ले लो ना भाई, और किसानों को अपने घर जाने दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा। मैं अंतिम बात यही कहकर खत्म करूंगी कि चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, नहीं अभी मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। साधना जी मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। अपनी बात फिर आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा, एक पॉइंट रख दूं मैं। छात्रा दीपा लोधी हमीरपुर की है और उसके साथ दरिंदों ने, दबंगों ने छेड़खानी करने के बाद आत्महत्या पर मजबूर कर दिया। पुलिस की मिली भगत थी, इन्हीं के विधायक लिख रहे हैं पत्र। ब्रजभूषण राजपूत इन्हीं के विधायक है, भाजपा के साक्षी महाराज इन्हीं के सांसद है। मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। छात्रा दीपा लोधी को इनको न्याय दिलाने के लिए समय नहीं है। किसानों की बात मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मनोज जी आपके पास आता हूं। देखिए यहां पर किसान नेता साफ कह रहे हैं कि धारा 370 का जिक्र नहीं करना चाहिए था किसान आंदोलन में, इससे पड़ोसी देश को मंच मिलता है, पड़ोसी देश की जो नापाक साजिशें हैं उनको बल मिलता है, उस पर आप नहीं बोल रही हैं। दूसरा, आप क्या मानती हैं कि वाकई चाहे पश्चिम बंगाल हो या यूपी, इसका जो ये राकेश टिकैत बार बार जिक्र कर रहे हैं उनका कोई सियासी उद्देश्य नहीं है? क्या किसान आंदोलन और सियासत आपस में मिलते नहीं दिख रहे हैं? देखिए, देश की सियासत पे कोई भी व्यक्ति अपने विचार रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत। अब सीधी बात यह है, अगर राकेश टिकैत जी कोई विचार रख रहे हैं या जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो व्यक्ति कैसे उसका पलटवार करेगा? वोट की चोट से। तो अगर वो वोट की चोट से आप दबाव बनाकर कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? नहीं, गलत ये है कि वो ये मानते नहीं है, गलत ये है कि वो ये मानते नहीं है, वो इसको नकार देते हैं कि नहीं हमारा कोई सियासी उद्देश्य नहीं है, वो इसको नकार देते हैं कि नहीं विपक्षी पार्टियों के साथ हमारा कोई मेलजोल नहीं है, गलत ये है। वो तो ये कह रहे हैं वोट की चोट देंगे, और सच्चाई ये इतने दम और अहंकार में। ठीक है, मैं मनोज जी से रिएक्शन लेता हूँ। मनोज यादव रिएक्शन दीजिए, आप लोगों के ऊपर भी बड़े आरोप। कांग्रेस साफ कह रही है कि भाई वो अगर लोकतांत्रिक अधिकार है बोल रहे थे, सियासत पर बोल रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? मैं आ रहा हूँ पुष्पन जी। गौरव जी, दो चीजों का जवाब देना चाहूंगा। जो कांग्रेस पार्टी यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बात कर रही है, 8 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कुंडली मार करके बैठे रही, उस रिपोर्ट को लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और अभी इनका कृषि बजट था 1,21,000 करोड़ के आसपास, हमारा कृषि बजट है जो 2,21,000। चुप रही है, शांत रही है, सुनिए, सुन लीजिए, साधना जी सुन लीजिए। साधना जी आप जब बोल रही थी तब वो नहीं बोल रहे थे, उनको सुन लीजिए आप। बताइए, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, आप उनको सुन लीजिए। अब एक शब्द नहीं बोला के बीच में। साधना जी आप लोग इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं, एक एक की आवाज जाएगी। मनोज जी बोलिए, दोनों की आवाज एक साथ नहीं जाएगी। शरद पवार इनके कृषि मंत्री, आदरणीय कृषि मंत्री शरद पवार जी एपीएमसी एक्ट लेकर के आए थे 2003 में, एक मॉडल लेकर के आए थे, उनको लागू करने के लिए उन्होंने आदेश जारी किया था, और ये अभी यहाँ पर बैठ करके बात कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, अरे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर 370 का जो समर्थन इनके तो दिग्गी राजा कर रहा है। इनके राहुल गांधी क्या क्या बोलते हैं, जिसका डोजियर पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर देता है, तो ये लोग तो वैसे ही उसी तरह गाय बलाए देश को तोड़ने की बात अक्सर करते रहते हैं। क्या मनीष शंकर अय्यर जी, क्या इनके मनीष तिवारी जी, क्या सुरजेवाला जी, हमेशा इसी तरह की भाषा बोलते हैं जो देश को तोड़ने, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की एकता और अखंडता के साथ में किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं होगा। 370 के नाम पर इस तरह का। साधना जी मैंने बोला आपको मौका दूंगा, मैं आपको पैनल बुलाया, आप बोलेंगे लेकिन उनकी बात पूरी जाने दीजिए। साधना जी को ज्ञान नहीं है 2019 पर्सनल कमेंट नहीं, मनोज जी पर्सनल कमेंट नहीं। पेज नंबर 17 पर पॉइंट नंबर 11 में एपीएमसी बिल रिपील इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा है। साधना जी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। इनको समस्या हो गई है, जब मोदी सरकार ने कर दिया तो इनको समस्या हो गई है। देखिए होता है गौरव जी,
ठीक है, ठीक है मनोज जी, मनोज जी आपका आपकी बात पूरी हो गई, मनोज जी आपकी बात पूरी हो गई। पुष्पेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, मैं उनकी बात ले लूं, फिर मैं एक बड़ी खबर दिखाऊंगा। पुष्पेंद्र जी देखिए, सियासत यहां पर साफ साफ आप लोगों के ऊपर हो रही है, आपके आंदोलन के ऊपर। सियासी पार्टियां भी आपस में लड़ रही हैं और आपके आंदोलन के नेता भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि लग रहा है कि उनका कोई सियासी उद्देश्य है। आप बोलिए ना कि हम चुनाव लड़ेंगे, आप बोलिए ना कि हम बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के साथ हैं, कौन मना कर रहा है आपको? आप करिए फिर प्रचार। जो जिस इससे ज्यादा स्पष्ट मैं कुछ कह नहीं सकता था। अन्ना आंदोलन के दौरान सारी बीजेपी, सारा आरएसएस वहां खड़ा था और इन्होंने खूब सियासत उसमें की थी और उसकी वजह से 2014 में इनको बेरोजगार कर दिया था राजनीतिक रूप से। यही ट्रैक है इनका भी। अरे भाई, जनता ने इनको चुना है, ये गलतफहमी में आ गए कि हम राजशाही नहीं है, हमने आपको वहां बिठाया है, हम मालिक हैं, आप सेवक हो, आप हमारी सेवा नहीं करोगे, हमारे खिलाफ काम करोगे, आपको हटा देंगे, दूसरे को बिठा देंगे। इसमें सियासत नहीं है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अधिकार है। और सियासत भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है और सियासत कोई बुरी चीज नहीं है। सियासत से ही इस देश की नीतियां बनती हैं, सियासत से ही लोग चुने जाते हैं और फिर वो लोकतंत्र में देश की नीतियां बनाते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।